भारत सरकार की वरिष्ठ मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में आज उड़ीसा प्रदेश की माननीय संसदगण हमारे शिपिंग मंत्रालय में मिले और एक साथ हम लोगों ने अगली दिनों में उड़ीसा प्रदेश में बसे हुए हमारे प्रमुख पोर्ट पारादीप के विस्तार विकास के लिए हम लोगों ने चर्चा की और साथ साथ में इनलैंड वाटर्स में जो भी शक्ति संपदा और संभावना है उनकी भी विकास के लिए अगले दिनों में हम भारत सरकार और उड़ीसा सरकार दोनों मिलकर एक साथ हम काम करेंगे। और अब तक ये बात मुझे कहने में बहुत आनंद महसूस होते हैं कि उड़ीसा में हमारी जो पारादीप पोर्ट है आप देश की सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी सबसे अधिक है, तो इसलिए वहाँ जो विकास की यात्रा जिस हिसाब से तेज से चलने लगा है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में आज पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय ने जो जनता की सहयोग से सफलता प्राप्त की है, तो इसलिए हमारा मानना है कि अगले दिनों में हमारे परम आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का साथ हमारे आदरणीय जो संसदगण आए हैं उन लोगों ने भी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं और हमें इस विषय पर मजबूत कदम उठाने के लिए उन्होंने आह्वान की है, तो मैं विशेष रूप से आभारी हूँ और हम अगले दिनों में इस विषय पर फिर से मिलेंगे, बातचीत हमारा जारी रहेगा क्योंकि हमें बहुत काम करनी है और पारादीप को दुनिया का एक सबसे बड़ा पोर्ट के हिसाब से हम खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलंतु नहीं।